हमारे LAC को क्रॉस किया है, भारत की सीमा में आकर के वो हमारे 20 सैनिकों को उन्होंने शहीद किया है, और आज पूरे देश में इस बात के लिए आक्रोश है कि उन्होंने LAC को पार किया। और बार बार वो इस तरह की हिमाकत करते हैं, लेकिन उसको याद रखना चाहिए कि 1962-1965 का भारत नहीं है, यह 2020 का भारत है। मोदी हमारे लीडर है और चीन को पूरा पक्का जवाब दिया जाएगा, और जरूरत पड़ेगी तो हर एक बच्चा भारत का सेना में भर्ती होने के लिए तैयार है। इस बार कोई भी चीन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और घर की महिलाओं ने, भारत की महिलाओं ने ठाना है कि उनके शरीर पर, उनके किचन में, उनके घर में कोई भी चीनी सामान नहीं रहेगा, और हम चीन के पूरे सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, ना हम प्रयोग करेंगे और ना किसी को करने देंगे चीन के सामानों का। और साथ ही यह भी हमने कहा है, जो चीन के समर्थक गद्दार इस देश में रह रहे हैं, जो चीन का समर्थन करते हैं, वो जल्दी से जल्दी देश छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए भी पूरे भारत के लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे और उनको जूता मार करके देश के बाहर करेंगे। किस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन, चीन का पुतला फूंका गया, चीनी सामानों का बहिष्कार किया गया, और घर की महिलाओं ने ठाना कि हम किसी भी तरह से जो भी चीन का सामान होगा, चाहे वो चीनी तावा हो चाहे चीनी बर्तन हो, हम उसको होली जला देंगे, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोगों ने सौगंध खाई कि आज के बाद हम लोग किसी भी तरह का कोई भी चीज चीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे।